आगे इधर हो जा। सो आज हम सारे रेडी हुए हैं। हियर इज मम्मा। अगला मुखी टेंपल। बताओ कहाँ जा रहे हैं? बगला मुखी टेंपल। यस, आज हम सारी फैमिली जा रहे हैं बगला मुखी टेंपल। हम ऑलमोस्ट अपने टाइम पे हैं। हमने सोचा था कि हम 8:30 निकल जाएंगे एंड पूरे एग्जैक्ट 8:30 हो गए हैं और हम निकलने लगे हैं। हियर इज अंकित। पापा मम्मा सब रेडी हैं। आई विल शो यू द पापा। पापा वो खड़े हैं, पापा किसी से बातचीत कर रहे हैं। तो चलो तो चलते हैं एंड आपको भी आज दर्शन करवाएंगे हम अपने साथ। बॉटल ले ली मम्मा? भूमिक आप पीछे आ जाओ। कम आज मैं सुंदर लग रही हूँ? वैसे मैंने आज बिल्कुल भी कोई भी मेकअप नहीं किया, हल्की सी मैंने अपनी सनस्क्रीन लगाई है और जस्ट लिप शेड एंड बिंदी। घर से निकल गए हैं हम। She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. हम लोग पहुंच चुके हैं बगला मुखी टेम्पल। भूमि का आराम से और धीरे से बच्चा। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। हाँ, भूमि भी फर्स्ट टाइम आया। इवन हमारी सारी फैमिली ही फर्स्ट टाइम आई है। ऐसे हम बाय रोड तो बहुत बार निकले हैं यहाँ से, पर हम टेम्पल फर्स्ट टाइम विजिट करने लगे हैं। मैया के लिए प्रसाद एंड चुनरी वगैरह हमने ले ली है। जो हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम आके पता लग गया है कि यहाँ पे सब कुछ मैया को येलो कलर का चढ़ाया जाता है। येलो कलर की चुनरी, फूल भी येलो कलर के, चूड़ियाँ वगैरह सारी येलो कलर की है। नहीं तो आम हमें पता होता है कि जैसे हम किसी भी टेंपल में जाए तो रेड कलर का सब कुछ होता है। यहाँ पे मंदिर एंटर करने से पहले स्कैनिंग हो रही है फेस की, उसके बाद मंदिर एंटर होने दे रहे हैं। आज काफी ज्यादा क्राउड है मंदिर में। भूमिक हवन की रसीद ले ली उन्होंने। ठीक है सर, आ रहे को बोल रहे कहीं पे भी चले जाओ, इनके कस्टमर्स ही कस्टमर्स। बस बाहर आने का इनका क्या फायदा होता है, कस्टमर्स के साथ ही बिजी रहते हैं कॉल पे भी। काफी ज्यादा रश है यहाँ पे। लिखा हुआ है कि मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना है। मैं कैमरा ऑफ करने लगी हूँ क्योंकि अंदर हम फोटो या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। हमने माथा अंदर टेक लिया है। टेंपल के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो कोई भी कैप्चर नहीं की है। अब हम आए हैं हवन करवाने के लिए। आगे यहाँ पे सारा हवन होता है। बहुत ज्यादा अच्छे दर्शन हुए हमारे, बहुत ही खुले दर्शन किए। इवन पंडित जी की जान पहचान थी पापा के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। सॉरी मैं उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाई, ना ही मैं हवन के टाइम कैप्चर कर पाई क्योंकि वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी।
और यहाँ पे एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर। इस चीज़ की मैं वीडियोग्राफी शूट कर सकती हूँ एंड आप लोगों को भी दिखा भी सकती हूँ। ये देखो कितना प्यारा शिव जी जी का मंदिर है, पिंडी कितनी प्यारी लग रही है। बहुत ज़्यादा शांति मिली, बहुत आनंद आया इस टेंपल में आके, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने। हमारा प्लान है यहाँ से बॉम्बे पिकनिक स्पॉट जाने का, सुना है वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारी बनी हुई है, बस वेदर अच्छा रहे बिकॉज बारिश होनी स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी। अब हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, हमें यहाँ पे हमें कितना टाइम लग गया ऑलमोस्ट, हमें कितना टाइम हुआ, टाइम 12:04 डेढ़ घंटा हमें यहाँ पे डेढ़ घंटा लगा मंदिर में। बहुत ज़्यादा शांति मिली, बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत प्यारा बना हुआ है। आप लोग भी विजिट करना जब आपका कभी भी प्लान बनेगा। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी शॉप्स है, कितना कितना सुंदर सुंदर सामान है। मुझे ये वाली डॉल बहुत पसंद आई, मैं ये वाली डॉल लेकर जाऊंगी। सी हाउ क्यूट शी इज लुकिंग, बहुत प्यारी लग रही है। इसमें नेकलेस नहीं डाला हुआ, इसमें नेकलेस डाला हुआ है, बाकियों में नेकलेस है। अच्छा इन वाली में नहीं है किसी में भी नेकलेस, सी मैंने ये वाली ली है। हाउ क्यूट, ये लो मम्मा, हाँ ले लो एक ही, ये ले लो मेरी डॉल। मौसम खराब होने की वजह से हम लोग भी बॉम्बे पिकनिक स्पॉट नहीं जा रहे हैं। मैंने जाना था। पापा भी रो रहे, पापा कैसे रोए आप? तो मम्मा हम लोग फिर ज्वालामुखी टेंपल तो जा सकते हैं, वहाँ चलते हैं अंकी। अंकी जब अब मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना फिर हम लोग आएंगे। क्या जाने, चंडीगढ़ जाना है बोवे की शॉपिंग करने के लिए बर्थडे की। कब तेरे एग्जाम? अभी अक्टूबर में तो खत्म होने हैं, नवंबर। हाँ 8 अक्टूबर को मेरे एग्जाम्स खत्म है ना, फिर चलेंगे। यस, जो मूवी टीवी पे प्ले होती है ना? अच्छा ठीक है, टैबलेट वाले गेम लेनी। वाओ कल ना जब जाने मैं कॉलेज से नहीं आ रही थी तो बीना बुआ के घर के पास ही पुलिस खड़ी थी, इतने बाइक्स वाले रुके हुए थे उन्होंने। क्यों, मेरे हेलमेट पहना हुआ था, मास्क भी पहना हुआ था, बच गई मैं, बच गई। पहुंच चुके हैं हम ज्वालामुखी टेंपल, थोड़ा सा पैदल रास्ता है मैया के दरबार की तरफ एंड हमारे दोनों साइड बहुत ही प्यारा सा बाज़ार है जहाँ पे भगवान जी को चढ़ने वाला प्रसाद चुनरी वगैरह सब कुछ मिलता है। देखो कितनी प्यारी प्यारी शॉप्स हैं, कितनी कलरफुल चीज़ें हैं, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसी ऐसी शॉप्स ना मुझे बहुत पसंद है जो कलरफुल चीज़ों से होती है ना, बहुत प्यारी लगती है मुझे वो शॉप्स। हम लोग ज्वालामुखी टेंपल पहुंच चुके हैं एंड हमारे दर्शन भी हो गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा रश है आज, मे बी आज सैटरडे है इसलिए बहुत ही ज़्यादा रश है। देखो ज्वाला जी से हम निकल चुके हैं एंड यहाँ पे बहुत ही मशहूर पेड़ों की शॉप है चौधरी स्वीट शॉप, इनके पेड़े मस्ट ट्राई करना अगर आप कभी भी ज्वाला जी आते हैं। मंदिर के बिल्कुल पास में ही है इनकी शॉप मेन रोड के ऊपर। मैं कोई इनकी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जो सच है रियलिटी है मैं वही बता रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड देसी घी के बने होते हैं पेड़े इनके, है ना मम्मा, टेस्टी होते हैं ना? हाँ जी बहुत टेस्टी होते हैं। पिछली बार हम जब भी ज्वाला जी आते हैं हमेशा हम 1 kg अपने साथ ये लेकर ही जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही टेस्टी है।
झूठ तो नहीं बोला था मैंने? नहीं नहीं बिल्कुल भी सही है, कोई झूठ नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है। हाँ कुछ खा लो, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अब तो ना टाइम भी हो चुका है, 2:28 हो गए हैं, मेरा तो वैसे भी हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा है। क्या खाना क्या है वैसे? खाना ही खा लेते हैं, चपाती वगैरह। हम लोग पहुंच गए हैं अपनी सिटी वापस। बस रास्ते में है, थोड़ी दूर ही है घर। होप आपको आज का व्लॉग ये अच्छा लगेगा। अगर व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।